हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितेश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि वकील साहब आप ये बताइए कि मेरे पास अपनी वाइफ की रिकॉर्डिंग है, इसे मैं कोर्ट में प्रूव कैसे करूँ, कोर्ट में कैसे जो है इसको सबमिट करूँ और कैसे इसे एविडेंस के तौर पर मैं कोर्ट में प्रस्तुत करूँ। सवाल तो ये होता है और बहुत कंफ्यूजन है इलेक्ट्रॉनिक सीडी या पेन ड्राइव में जो एविडेंस होता है वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फैल गई है कि वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है हमारे क्लाइंट्स के पास और उनको ये नहीं पता कि कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपको ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट करना है कोर्ट के अंदर और कैसे आप इस एविडेंस को अपने फेवर में इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंट है, R.M. मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी जजमेंट है, बहुत पुरानी जजमेंट है, जिसमें टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस जो है एक डॉक्यूमेंट के रूप में कहा है कि एक ये डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट की तरह ही प्रूव होगा। यानी सीडी में जो एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्डिंग है या आपकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग है, वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और उसे डॉक्यूमेंट की तरह ही आप प्रूव करोगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तीन पैमाने तय किए इस एविडेंस को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए। एक किया रिलायबिलिटी, एक किया ऑथेंटिसिटी और एक हो गया रेलेवेंसी। पहले हम रेलेवेंसी की बात करते हैं। रेलेवेंसी क्या होती है? जैसे आपका डाउरी का केस चल रहा है तो आप डाउरी के संबंध में ही एविडेंस कोई भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अब कोई रिकॉर्डिंग है उसमें डाउरी का कुछ मेंशन नहीं है, वो एक नॉर्मल पति और पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है किसी बात को लेकर, उसमें डाउरी का कोई मेंशन नहीं है, डाउरी से रिलेटेड कुछ कन्वर्सेशन नहीं है, तो वहाँ पे आपका जो रेलेवेंसी का ग्राउंड है वो हिट होता है। यानी वो जो एविडेंस है वो रेलेवेंट ही नहीं है, उसको प्रस्तुत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी तो आपको ये फिक्स करना है कि कौन सी रिकॉर्डिंग आपको यूज़ करनी है, कौन सी रिकॉर्डिंग आपकी रेलेवेंट है उस केस के पर्पज़ के लिए। हो सकता है आपके पास रिकॉर्डिंग हो जो डाइवोर्स केस के लिए रेलेवेंट हो, पर आपको जो रिकॉर्डिंग है वो अपने केस के लिए 498 ए केस के लिए क्या वो रेलेवेंट है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, आप हमेशा ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग की ट्रांसक्रिप्ट फाइल ज़रूर लगाएं एविडेंस के साथ। और एक और चीज़ करें, सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट आप ज़रूर लगाएं रिकॉर्डिंग्स के साथ। जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपका जो एविडेंस है वो प्रस्तुत करने लायक होगा। यानी रिकॉर्डिंग की आप सीडी बनाएं, उसके साथ 65B का सर्टिफिकेट रखें और उसके साथ आप ये चेक करें क्या वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आप दे रहे हैं वीडियो या ऑडियो वो रेलेवेंट है या नहीं, और उसकी जो है ट्रांसक्रिप्ट तैयार करें। ये तीन चार चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा ये एविडेंस प्रस्तुत करने से पहले। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं हम, रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या है? अब कई बार क्या होता है, हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं कई सारी वीडियो फुटेजेस मॉफ्ड होती है, यानी जो व्यक्ति है वो कुछ और बोलना चाह रहा है और उससे कुछ और बुलाया जा रहा है जब आप टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाते हैं तो, या फिर कट पेस्ट की होती है। तो यहाँ पे जो है रिलायबिलिटी जो है एविडेंस की क्वेश्चन में आ जाती है कि वो एविडेंस रिलायबल है या नहीं है, क्या वो काटा पीटी तो नहीं हुई हुई है, क्या उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई हुई है। तो रिलायबिलिटी एक और प्रश्न है जो क्वेश्चन कोर्ट के माइंड में चलता है, क्या आपका जो रिकॉर्डिंग है ऑडियो या वीडियो क्या वो रिलायबल है या नहीं। और एक हो गया ऑथेंटिसिटी।
अब कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ छेड़छाड़ करते हो, मॉर्फिंग करते हो, और एक और चीज़ होती है ऑथेंटिसिटी, कि वो रिकॉर्डिंग कभी एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। ऑथेंटिसिटी में आपने जो है कोई सिमिलर वॉइस का बंदा जो अलग अलग आवाज़ें निकाल सकता है, जो आपकी वाइफ या हस्बैंड की वॉइस भी निकाल सकता है, उसको इस्तेमाल में लाते हुए आपने एक फेक, बिल्कुल ही फेक, उसमें कोई तथ्य नहीं है, रिलायबिलिटी में आपने जो है छेड़छाड़ की, चलो कुछ काटापीटी की उस एविडेंस में, बट ऐसी चीज़ घटना घटी थी, रिकॉर्डिंग हुई थी, वॉइस में कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, पर आपने जो है कुछ पोर्शन जो आपके फेवर में था वो लगा दिया और कुछ पोर्शन जो आपके फेवर में नहीं था वो आपने कट कर दिया। तो यहाँ पे तो आपका रिलायबिलिटी का क्वेश्चन है। अब ऑथेंटिसिटी तो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है कि जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी ही फेक है। अगर रिकॉर्डिंग आपकी पूरी ही फेक है तब क्या होगा, तब ये होगा कि वो ऑथेंटिक ही नहीं है, वो फेक और फोर्स डॉक्यूमेंट है, उस पर आप पे परजूरी की भी कार्रवाई हो सकती है अगर आपका एविडेंस पूरी तरह से फेक है। तो ये तीन पैमाने होते हैं जिसपे ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट फिक्स करता है। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीज़ कैसे प्रेजेंट करनी है, या अपने एविडेंस में ये चीज़ कैसे प्रेजेंट करनी है। जब ये तीन पैमाने सेट हो गए, उसके बाद आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में जब भी वाइफ आए, आपको उससे ये पूछना है क्या ये रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ है ये आपकी है। सिंपल हाँ या ना में जवाब आएगा, अगर उसने हाँ बोल दिया तो आपको कोई आगे का एविडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने ना बोल दिया कि मेरी आवाज़ नहीं है, तब आप कोर्ट से इंसिस्ट कर सकते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप एक्सपर्ट एविडेंस बुलाएं। जब आप अपना एक्सपर्ट एविडेंस एग्जामिन करेंगे तो उससे भी साफ हो जाएगा कि वॉइस जो है ऑथेंटिक है, एविडेंस जो है रिलायबल है, और एविडेंस जो है रेलिवेंट है। तो यहाँ पे ये तीन पैमाने कैसे टेस्ट होते हैं वो मैंने आपको बताया, कैसे आपको प्रेजेंट करना है ऐसा एविडेंस वो मैंने आपको बताया, और कैसे जो है दूसरी पार्टी इस पर जो है सवाल उठा सकती है और कैसे उसे डील करना है वो मैंने आपको बताया। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एक आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।